मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 11 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झारखंड में ओले गिरने की आशंका जताई गई। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, गंगई, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और विदर्भ में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो जाएंगी। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। आज यूपी के इन जिलों में लगातार आंधी बारिश के आसार। आज पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। आज कौशाम्बी, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर और गाजीपुर में बादल गरजने, बिजली गिरने और आंधी चलने की संभावना है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने की और बिजली गिरने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान दोनों हिस्सों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार 9 से 10 मई को अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इंदौर, रतलाम, अनूपपुर जिलों में गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना है। 10 मई को इंदौर, धार, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, बालाघाट, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना में बादल छा सकते हैं। ग्वालियर, दतिया, खरगोन, खंडवा में हीट वेव का अलर्ट है। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी के बीच एक बार फिर से हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 मई को हरियाणा में बारिश हो सकती है। 10 मई से पहले मौसम साफ रहने की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों के दौरान हरियाणा के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 मई को पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर में मेघ गर्जन, वज्रपात का व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ बारिश होगी। इसी तरह 10 मई को भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर व पाली में 30 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ बरसात होगी। बिहार में बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने 11 मई तक के लिए राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में आज लगभग 10 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ। इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिलों में बारिश और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। वहीं इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। झारखंड के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश में हल्की से मध्यम बारिश के कारण चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। आज प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम के वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 9 से 10 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री कम हो जाएगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।